सच है कि भगवान है, है मगर फिर भी अनजान। शनिवार की शाम खूबसूरत एहसासों की शाम थी, क्योंकि ये शाम माता पिता के नाम थी। बच्चों ने अपने मम्मी डैडी के लिए गाने गाए। हेमंत की मम्मी और प्रतीक्षा के डैडी पहली बार लिटिल चैंप्स के मंच पर आए। आज जब मैं गाना गा रही थी, पापा जल्दी आ जाना, तो जैसे मैंने गाना खत्म किया, एकदम से मुझे पापा की आवाज सुनाई दी, तो मैं देखने लगी कि कहाँ से आवाज आ रही है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पापा फर्स्ट टाइम आ रहे थे यहाँ पे मुझसे मिलने, मतलब वो मेरे लिए अनबिलीवेबल था। जब मुझे पता चला कि पेरेंट्स के लिए गाना गा रही है, पप्पा जल्दी आ जाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरी तो इसमें जान बसती है, मैंने इसको सरप्राइज दिया। लिटिल चैंप के अब तक के सफर में मुझे इतना बड़ा सरप्राइज कभी नहीं मिला, और वो है मेरी मम्मी जो मेरे लिए साक्षात स्टेज पे आई। मैं बहुत दिनों बाद अपने बेटे से मिल रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे गर्व है अपने बेटे पे। मेरे बेटे ने मेरा बहुत नाम निकाल लिया, और मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं इनके चरणों में ऐसे ही पड़ा रहूँ और इनकी सेवा करता रहूँ। पेरेंट्स दिन के लिए मैंने पापा को जब कॉल किया, तो पापा ने बोला हाँ मैं जरूर आऊंगा। ये इम्पोर्टेंट एपिसोड है ना पेरेंट के लिए, तो वो गाना के लिए फुल कंसंट्रेशन करने के लिए हम चले आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे कि आज सारी दुनिया धैर्य को पहचान रही है। मुझे जो भी चाहिए था, मेरी जो भी इच्छा थी, उन्होंने सब पूरी की है। हम लोग दोनों सबसे प्राउड मदर फादर फील कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। आप हो तो सारी खुशियां हैं मेरे लिए, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मॉम डैड आई लव यू अलॉट। खुशी हो रही है लिटिल चैंप्स के इतने बड़े मंच पे वो काम कर रही है, ये मुकाम तक पहुँच जाएगी इतना नहीं सोचा था। असल में अब शायद हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। एक बार हमारा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक में एक्सीडेंट हुआ था, अपशा का मुंह पूरा सूज गया था, दोनों आंखें खून मर गया था उसके, दोनों आंखें पूरी लाल और पूरा ऐसा मुंह, लेकिन फिर भी वो मुझे बोल रही थी मम्मी आप रो मत और रो। मैं उसको देख के रो रही थी, वो मुझे बोल रही थी आप रो मत मैं ठीक हूँ, आप रो मत मैं ठीक हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे लिए दुआ करें। मेरी यही दुआ है कि वो बहुत आगे बढ़े और एक अच्छी इंसान बने। मैं चाहती हूँ कि मैं उनको एक अच्छी सी बाइक दूँ। ये जी टीवी की तरफ से तुम्हारे पापा के लिए, ये है हीरो होंडा पैशन। अफशा ने जी टीवी और हीरो होंडा की तरफ से अपने पापा को मोटरसाइकिल गिफ्ट करके परिवार के सपने को साकार किया। देखो भी शनिवार के खास एपिसोड पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी भाव विभोर हो उठे। आज ये था यहाँ पहुँचा है, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग का पुरुजन का फल है, और हम आज समझते हैं कि वो पूरी दुनिया का एक रियल जिम बनता चला जा रहा है। मैं जितना भी कुछ कह लूँ मम्मी पापा के बारे में, या जितना भी दिखा दूँ कि मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा मेरे ऊपर कर्ज है। बस मम्मी पापा की वजह से मैं आज यहाँ पर जा रहा हूँ। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार आई थी, बुखार इतना तेज हो गया कि अल्टीमेटली रात को मुझे बहुत ज़्यादा सेंस नहीं थी, लेकिन अंततः रात भर मेरी पट्टी करती रही, मेरे ऊपर मेरे हाथ के ऊपर सो गई, मेरी हाथ पैर दबाते दबाते। वो रात मैं नहीं भूल सकती, उस दिन लगा कि सच्ची बेटियाँ ही होती है। मैं अपने मम्मी पापा को थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी हर छोटी बड़ी हर जिद को उन्होंने माना, उन्होंने रखा। सो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। मैं आज तक भी जो कुछ भी तालीम लिया है या जो कुछ भी सीखा है, सब मैंने अपनी मम्मी पापा से ही सीखा है। अभी गान पर हमें बहुत गर्व है। मैं आज जहाँ भी हूँ और जो भी हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से ही हूँ। मेरे आशीर्वाद हमेशा इसके ऊपर पर। स्वेत का जब जन्म हुआ था, और डॉक्टर ने मुझे जब सबसे पहली बार मेरे हाथ में दिया था, ये वो सबसे अच्छा मेरे लिए मोमेंट है, और उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं जो भी अब तक नोटिशन करता हूँ, मैं मेरे मम्मी पापा की वजह से करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक सिखाया, तो और भी आगे सिखाते रहे, और मैं बहुत आगे तक जाऊँ और मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ। मैं एक सेलिब्रिटी जो हस्ती, वो मेरी बहू बनी है, तो मुझे मेरे बेटे पे फक्र है कि इतनी अच्छी बहू मुझे ला के दी है। ला 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 ला।